बताया जाए और वो गाना बेहद खूबसूरत है, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे आने से हल्का सा बॉलीवुड टच तो आना ही चाहिए, तो वो आया आराम पे। बट मैं आज अपने दोस्त दर्शन के लिए यहाँ पे हूँ, दर्शन दवे, जिनका ब्रांड है डियोसा। हमारी मुलाकात एक्चुअली डांस के ज़रिए हुई, क्योंकि ये एक बेहद अच्छे सालसा डांसर हैं, इसलिए आपने आज थीम भी जो देखा वो डांस ओरिएंटेड था, और हम सालसा के थ्रू ही मिले थे, और मुझे इनके साथ डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही इज़ अ प्रो, आई एम नॉट, बट आई लव डांसिंग विद हिम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ही इज़ वेंचर आउट इनटू हिज ज्वेलरी ब्रांड, बहुत नया है, इट्स ओनली 3 years एंड ऑलरेडी सो सक्सेसफुल, सो इट्स रियली लवली टू बी हियर एंड ऑल्सो विद यू सर, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। शो बहुत अच्छा था एंड आई थिंक बाकी शो से बहुत अलग था इन टर्म्स ऑफ द ज्वेलरी, द स्टाइल, द प्रेजेंटेशन, इट वॉज वेरी क्लासी, अ लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक द गर्ल्स लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आज मैंने ये जो डिज़ाइनर है उन्हीं से पूछते थे मैंने क्या पहना है जी, इन्होंने जो चोकर पहना है, ओके, वी आर बेसिकली जो सालसा डांस है उसके ऊपर से हम लोग ने पूरा जो उसका पैशन है और जो उसका क्रिएटिविटी है दैट आई हैव इन्फ्यूज्ड बीइंग अ सालसा इंस्ट्रक्टर फॉर 7-8 years एंड आई हैव यूज्ड दैट नॉलेज एंड आई हैव यूज्ड दैट इमोशन टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट यू सी ओवर देयर। ओके, द टियारा आल्सो वी डिजाइन फॉर स्वारोस्की, ओके, वी यूज एक्सक्लूसिवली स्वारोस्की ज़िर्कोनिया विद सिल्वर, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम गोल्ड एंड डायमंड्स टुवर्ड्स अ न्यू the era of silver jewelry and this is going to be the future, let me tell you that. I don't know अगर करियर के दौरान इम्पोर्टेंस रही है, आई थिंक ज्वेलरी एक पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपको ज्वेलरी सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से मिलती है, चाहे बर्थडे गिफ्ट हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे दोस्त से हो, किसी से भी, आई थिंक ज्वेलरी बहुत स्पेशल होती है। लेकिन इस ब्रांड की बात मुझे ये अच्छी लगी, इट्स आई थिंक इट्स फॉर अ मॉडर्न वुमन, फॉर अ यंग वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन, नॉट एवरीबडी कैन ऑलवेज अफोर्ड टू बाय द बेस्ट ऑफ डायमंड्स, और आजकल की जो लड़कियाँ हैं उनको वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, सो इट्स नाइस टू बी एबल टू बाय ब्यूटिफुल ज्वेलरी एट नॉट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, अलग अलग चीज़ें। और आई थिंक नाउडेज वी ऑल ट्रैवल सो मच, इट्स नॉट सेफ टू कीप रियल ज्वेलरी विद यू एनीवे, एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अल्टरनेटिव। जी मैं आई थिंक आप लोग सब मेरा रेड कार्पेट स्टाइल जानते हैं कि मैं एक क्रिसमस ट्री कभी बन के नहीं आती, और ना ही मेरा इरादा ऐसा बनने का। आई थिंक एक दो स्टेटमेंट पीसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड आई थिंक इफ आई हैड एवरीथिंग टॉप टू टो देन आई थिंक यू वुडंट फोकस ऑन द मेन पीसेस। एक लड़की नेकलेस पहन लेती है, इयररिंग्स पहन सकती है, ब्रेसलेट, रिंग, टियारा पहनने का मौका बहुत कम लड़कियों को मिलता है, सो आई वॉन्टेड दैट टू रियली बी द हाईलाइट एंड आई थिंक दैट वर्क। What does that have to do with jewelry? आप jewelry तो नहीं बैन कर रहे हो? सही गलत अलग बात है, आई जस्ट बिलीव इन एवरीबडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस, एंड आई थिंक हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया कि जब भी किसी चीज़ को बैन किया गया है तो लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं उसको वापस लाने के लिए, एंड पीपल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन इट। सो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड मूव ऑन ऑन, बट I believe in living in a beautiful, democratic India where we have the freedom to make our choices. अगर लड़की को देना हो तो लड़के को, well, I generally don't date men who wear a lot of jewelry. Jewelry should really come down to me. But if I was to date some, to gift something to a guy, it would probably be a really cool pair of cufflinks, maybe a watch. You know, and if the time is right, maybe a ring. Who knows? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके सारे दर्शकों को 15th August की बेहद शुभकामनाएं। May we continue to make our country proud, work hard, live clean, and make the right choices. Thank you so much. Oh God, ये तो अलग ही सवाल पूछ रहे हो आप। मेरी फेवरेट किताब है स्पाई प्रिंसेस, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक एक्चुअली इंडियन ऑरिजिन की लड़की जिसने फ्रेंच रेजिस्टेंस में काम किया था, तो दैट वुड बी माइन, उनका नाम था नूर इनायत खान, आई वुड लव टू प्ले।